हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी की बहुत ही टेस्टी चौरेठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे खाने के बाद आप बाहर का समोसा और कचौड़ी खाना भूल जाएंगे और सब आपसे बार बार इसे खाने की डिमांड करेंगे। और फ्रेंड्स, आप इसे नाश्ता, डिनर, लंच कभी भी बना सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो इसे आप जरूर ट्राई करिए। और चलिए अब शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो चौरेठा बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने 2 कप चावल का आटा लिया है और इसमें अब हम 1 मुट्ठी गेहूं का आटा ऐड करेंगे। तो देखिए, 1 मुट्ठी गेहूं का आटा ऐड कर लिया है। उसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो थोड़ी सी अजवाइन को क्रश करके डाल देंगे, आधा चम्मच अजवाइन क्रश करके डाल देंगे, आधा चम्मच कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे, आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे, आधा चम्मच नमक डाल देंगे और इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सारे मसाले अच्छे से आटे में मिक्स हो गए हैं। अब क्या करेंगे कि हम बिल्कुल हल्का गर्म पानी लेंगे और उससे फिर हम इसका एक सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। डो हमें बिल्कुल ना ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है ना ज़्यादा हार्ड लगाना है, जैसे कि हम रोटी के लिए डो लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही हम इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। और चौरेठा बनाने की पारंपरिक रेसिपी जो है वो इसी तरीके से चौरेठा बनकर तैयार होते हैं, तो थोड़े से क्रिस्प चौरेठा बनते हैं। अगर आपके यहाँ कोई बुजुर्ग है या आप थोड़े से सॉफ्ट चौरेठा बनाना चाहते हो, तो आप क्या करें कि 2 कप पानी को अच्छे से बॉयल आने तक पका लें, उसके बाद उसमें 2 कप आटा और सारे मसाले डालकर ढक कर रख दें। 10 मिनट बाद आप उसका सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे, तो आपके जो चौरेठा है वो सॉफ्ट सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। और इस तरीके से चौरेठा बनाने से चौरेठा थोड़े से क्रिस्प बनकर तैयार होते हैं और पारंपरिक रेसिपी भी यही है, तो मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। और देखिए, आटा बिल्कुल सॉफ्ट, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है, बनकर तैयार है। इसे हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए और तब तक हम चौरेठा की स्टफिंग बना लेते हैं। तो एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लेंगे, उसमें जब तेल गर्म हो जाएगा तो 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 बड़ी प्याज कटी हुई डालेंगे बारीक, 2 हरी मिर्ची और इसे अब हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज को आपको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा प्याज का कच्चापन निकल जाए तब तक पकाना है। तो देखिए, प्याज मैंने 1 मिनट पकाया है, उसके बाद मैंने इसमें ये मसाले डाल दिए हैं। तो मसाले ये हैं, थोड़ी सी धनिया और थोड़ी सी 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच सौंफ को मैंने क्रश करके डाल दिया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जैसे आप मार्केट से जो समोसे कचौड़ियाँ लाते हैं ना, स्टफिंग बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार होती है। उसके बाद इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार ये सारी चीजें डाल देंगे और इसे भी हम बस 30 सेकंड के लिए भूनेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, मैंने ये 8 आलुओं को बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया है, इन्हें डाल देंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। और देखिए, मैंने नमक पहले नहीं डाला था, बता दिया था लेकिन डाला नहीं था, तो अभी नमक डाल दे रही हूँ स्वाद के अनुसार और इसे अब हम 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। जो हमने इसमें खड़ी धनिया और खड़ी सौंफ को क्रश करके यूज किया है, उससे इस मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो आप जरूर ऐड करिएगा धनिया, खड़ी धनिया और खड़ी सौंफ को क्रश करके। उसके बाद इसमें डाल देंगे बारीक कटे धनिया पत्ते और इन्हें भी मिक्स कर लेंगे हम। और आलू देखिए हमारी भुन चुकी है, ये देखिए। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और थोड़ा सा मैं टेस्ट कर रही थी कि नमक वगैरह ठीक है, क्योंकि बाद में नमक ऐड करने में मिक्स नहीं होता है। तो बिल्कुल चटपटी सी हमारी आलू वाली स्टफिंग बनकर तैयार हुई थी। इसे निकाल लेंगे हम एक थाली में और इसे हम रख देंगे फैन के नीचे बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने के लिए। और जब तक ये आलू ठंडी हो रही है, तब तक हम इसके साथ खाने के लिए बिल्कुल चटपटे स्वाद वाली बिल्कुल टेस्टी सी दही और धनिया की चटनी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है एक मिक्सचर जार, उसमें ले लिया है 1 मुट्ठी भरकर धनिया, 3 से 4 हरी मिर्ची, 7 से 8 कलियां लहसुन की ले ली है। इसके बाद इसमें डाल दिया है 1/2 छोटा चम्मच नमक, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और इसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच दही और इसे अब हम पीस लेंगे। और ये देखिए, हमारी बिल्कुल टेस्टी सी चटपटी सी हरी चटनी बनकर तैयार हो गई है, जो कि चौरेठा और चावल की कचौड़ी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो देखिए, चटनी भी बन गई, आटा भी तल लग गया है
और मसाला भी तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपनी चावल की कचौड़ियाँ। हमारे यहाँ चावल के आटे की कचौड़ियों को चौरेठा ही बोलते हैं, और ये जो पारंपरिक रेसिपी है ये उड़द की दाल से बनती है। पर अभी क्या है कि बच्चों को आलू ही ज़्यादा स्टफिंग में पसंद है, तो मैं आलू से बना रही हूँ। तो देखिए थोड़ा सा इस तरीके से हम लेंगे लोई इसकी, ये देखिए जैसे आप रोटी वगैरह बनाने के लिए लेते हैं बस उतनी ही लेंगे। और इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हम हाथों की हेल्प से इसे जैसे आप कचौड़ियाँ स्टफ करते हैं ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए बीच में थंब बीच में लगाते हुए चारों तरफ घुमाएंगे तो ये देखिए एक कटोरी की तरह बन जाएगी। और उसके बाद इसमें हम स्टफिंग भर देंगे, तो ये देखिए आलू की स्टफिंग रख देंगे इसमें इस तरीके से, और फिर से हम इसे इस तरीके से ये देखिए रोल करेंगे, बंद कर देंगे और ऊपर का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे निकाल देंगे। और थोड़ा सा सूखा आटा लगाते हुए हम इसे हाथों की हेल्प से ये देखिए इस तरीके से बना लेंगे। ये देखिए आप चाहे तो इसे हल्का बेलन लगाकर बेल भी सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से बना लिया है। और फिर इसमें हम बीच में इस तरीके से होल कर देंगे। बीच में होल करने से होता क्या है कि आपकी कचौड़ियाँ जो है बिल्कुल अच्छे से पकती हैं और चारों तरफ से वो अच्छे से क्रिस्प होती हैं, इसीलिए बीच में होल किया जाता है। क्योंकि पहले जो पारंपरिक रेसिपी है उसमें उड़द की दाल की जब स्टफिंग होती थी तो उड़द की दाल पकने में टाइम लगता था, इसीलिए बीच में होल किया जाता था कि चारों तरफ से दाल अच्छे से पक जाए। पर आलू की बना रहे हैं तब भी अगर आप बीच में होल कर देंगे तो वो चारों तरफ से अच्छे से क्रिस्प बनकर तैयार होती है, तो इसीलिए बीच में होल किया जाता है। अगर आप चाहें तो बीच में होल ना भी करें तब भी बहुत ही टेस्टी बनेंगी। तो देखिए एक मैं आपको और उसी तरीके से बनाकर दिखा रही हूँ, और आप चाहें तो हल्के बेलन की हेल्प से भी आप इसे बेल सकते हैं। अगर आप हाथों से इस तरीके से नहीं बना पा रहे हैं तो बेलन को हल्के हाथ से इस पर चलाइए, बहुत ज्यादा प्रेस करके चलाएंगे तो आपकी जो ये कचौड़ियाँ हैं फट जाएंगी। बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करते हुए आप इसे बेल लीजिए, और ये देखिए इस तरीके से होल कर लिया है। और इसी तरीके से मैंने चार कचौड़ियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं, ये देख सकते हैं आप। और चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए क्या करेंगे, कढ़ाई में तेल मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ऊपर जल्दी जल्दी पक जाएगी और अंदर तक नहीं पकेगी, और लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा कड़ी हो जाएगी। तो इसलिए आप इसे मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्प होने तक और थोड़ा सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे, और बहुत ज्यादा इसका कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि ये चावल के आटे की है तो चावल का आटा थोड़ा व्हाइट होता है, तो जैसे आप गेहूं के आटे की कचौड़ियां बिल्कुल लाल लाल से निकालते हैं वैसे नहीं निकलेंगी, थोड़ा सा व्हाइटिश ही कलर रहेगा। देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कचौड़ी हमारी बिल्कुल अच्छे से सिक चुकी है, और इसी तरीके से मैंने सारी कचौड़ियाँ सेक कर तैयार कर ली थी। तो चलिए अब प्लेट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दही ले ली है, टमाटो सॉस ले ली है, हरी वाली चटनी ले ली है, और ले लेंगे अपनी गर्मा गर्म टेस्टी सी कचौड़ियाँ। और आवाज़ सुनिए इसकी कितनी क्रिस्पी कचौड़ियाँ बनकर तैयार हुई थी, बहुत टेस्टी लगती है यकीन मानिए खाने में। और मैं अभी आपको एक कचौड़ी तोड़कर भी दिखाती हूँ, अंदर तक बिल्कुल स्टफिंग अच्छे से भरी हुई थी। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।